ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे अशॉर्ट फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुमरा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी, नियर बशीर मेहंदी वाला, मुमरा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के कल्याण फाटा के पास 30 साल पुराने 20 दुकानों को ठाणे महानगर पालिका ने भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई कर इसे तोड़ दिया है और विधायक जितेंद्र अभाट ने कल यहां का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की और महानगर पालिका के अधिकारियों और पुलिस से फ़ोन पर बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह का खेल गरीबों को परेशान करने, उनके घर तोड़ना, उनकी दुकान तोड़ना, ये खेल यहाँ पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर चल रहा है और ये सब कुछ सुपारी देकर किया जाता है, ऐसा आरोप विधायक जितेंद्र भाट ने लगाया है। सूत्रों के अनुसार मुमरा के कल्याण फाटा पर अटलांटा टावर के सामने लगभग 1.5 दर्जन दुकानें और गैरेज बने हुए थे जो कई साल पुराने। इन दुकानदारों के पास सभी दस्तावेज भी हैं मगर मनपा ने कार्रवाई कर इन्हें की दुकानें तोड़ दी हैं और अब यहां पर विशेष बाउंसर और प्राइवेट लेडीज गार्ड तैनात किए गए हैं। इन दुकानदारों ने स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मदद से विधायक जितेंद्र भाट से मुलाकात की, जिस पर जितेंद्र भाट ने यहां का दौरा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक जितेंद्र भाट ने कहा कि इस समय मुमरा शील थाने में प्रशासन की न केवल मनमानी बल्कि पूरे पैमाने पर दादागिरी चल रही है। आरोप लगाया है कि सुपारी लेकर कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई के पीछे 4 करोड़ का खेल है क्योंकि यहां सभी दुकानें तोड़ दी गई हैं और इनके बाजू में एक शाखा है उसे नहीं तोड़ा गया। साथ ही विधायक जितेंद्र भाट ने कहा कि महिला बाउंसर इसलिए रखा गया है कि ताकि कोई पुरुष जाए तो ये महिलाएँ उसके खिलाफ झूठी मामला 354 का दर्ज करा सके, जैसे कि पिछले साल उन पर एक महिला ने 354 का मामला दर्ज कराई थी। विधायक जितेंद्र भाट ने कहा कि यह राजनीतिक खेल है, इसके पीछे दुकानदारों और व्यवसायियों की बलि दी जा रही है, उनकी जमीन छीनी जा रही है और उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। विधायक जितेंद्र भाट ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। साहब, ये डायघर में आपका क्या बात को लेके विजिट था यहाँ पे? यहाँ पे 2000 साल में कुछ गाले बने थे, बाद में रोड वाइंडिंग होने के बाद उनको म्यूनसिपालिटी ने ही पूछे जाने को बोला, तो वो पीछे जाके उन्होंने गाले बना लिए। अब अचानक एक दिन म्यूनसिपालिटी की कार्रवाई होती है और सब गाले तोड़े जाते हैं। उसकी वजह पूछी तो मुझे कोई अधिकारी बताता है कि अनधिकृत है, अनधिकृत 20 साल से है। ये सामने 9 माले की बिल्डिंग भी बिल्डिंग बन रही है, वो तो अभी की है, फिर म्यूनसिपालिटी उसको क्यों नहीं तोड़ती है? रोजी रोटी का सवाल है, वो धंधा करते हैं वहाँ पे, किसी को तकलीफ तो नहीं देते ना, कोई 2 नंबर का धंधा नहीं करते ना, दारू नहीं बेचते है, मटका बीटिंग नहीं उधर। मुझे पूछना है म्यूनसिपालिटी के कौन से अधिकारी को इतना हक दिया है कि 20, 22, 25 साल के पुराने गाले तोड़ दो? तो फिर मुमरा कौशाशील पूरा ही साफ कर दो ना, या गरीब को कोई माई बाप नहीं है क्या? वो शाखा है उसके बाजू में, शाखा क्यों नहीं तोड़ी? ये मनमानी जो चालू हो गई है मुमरा कौसा शील में, ये बंद करनी पड़ेगी। ये कहीं किसी के बाप का राज नहीं है। अभी वो उधर बाउंसर लाके बिठा है, औरतें हैं, मर्द के अंग पे जा रही है, फिर औरतों की औरत मन आके केस डालेगी 354। मेरे पर डाली थी ना एक औरत ने, ऐसे ही बाउंसर ही थी वो। ये बाउंसर लोगों का काम रहता है 354। क्या लगता है कोई राजकरण किसकी क्या सुपारी था? 4.5 करोड़ रुपए का। अच्छा, 4.5 करोड़ रुपए का सुपारी था। ये सुपारी बचाने वाला कौन था, ये सुपारी किसने दिया था, सब मेरे को मालूम है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन गरीब का पेट तुम भूखा रखे अगर कुछ करोगे तो मैं करने नहीं दूं।